नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी युवती ने उसे रेप करने का आरोप लगाया है। इसके बाद से पुलिस आरोपी पलाश की तलाश कर रही है, मगर अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस बीच दुष्कर्म पीड़िता ने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को भी धमकाया जा रहा है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। युवती ने यह भी कहा कि यदि मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पलाश की, उसके पिता नारायण चंदेल की और पूरे भारतीय जनता पार्टी की होगी। मैं सीएम भूपेश बघेल से सुरक्षा की मांग करती हूं, मैं यहां से पीएम मोदी से भी सुरक्षा की मांग करूंगी। शादी करेंगे, थोड़ा समय दो शादी करेंगे, थोड़ा समय दो शादी करेंगे, ये मामला हुआ हमारे बीच में तनातनी की। ये 2022 सितंबर अक्टूबर से शुरू हो गया था। मेरे को थोड़ा और टाइम दो, मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए, ऐसा कह के टाइम लेता रहा। और जब मैं उसको बोली कि शादी तुम क्लियर बता दो, तुम शादी करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि कई भाजपा नेताओं के साथ मिलकर मेरी मीटिंग करा चुका था और उनके सामने मैं यह भी बोल चुका था कि मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करती हूँ। ये चूँकि जैसा सिचुएशन बना हुआ है, उस समय पलाश चंद्र खुद बोलता था कि मेरे पापा विधायक हैं, तुमको पता है। अब नेता प्रतिपक्ष भी बन चुके हैं, तो इस दरमियान देख लो, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारे परिवार वाले हैं, सबके बारे में आगे पीछे सोच समझ कर तुम पुलिस के पास जाना अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने। अगर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदार पलाश चंदेल के साथ साथ उसके पापा नारायण चंदेल, उसके चाचा शेखर चंदेल और पूरे बीजेपी पार्टी को मैं देती हूँ। क्योंकि इतनी घटना होने के बाद एक आदिवासी महिला के साथ ऐसा होता है, उसके दरमियान भी किसी ने मेरे लिए कोई कदम नहीं उठाया है।